पूर्णिया में भीड़ आग लगा रही थी। उस वक्त तेजस्वी के पिता लालू यादव के काम सिर्फ भट्टी ही आए। लालू को भट्टी पर इतना विश्वास हुआ कि कह दिया, क्रिमिनल का भट्टा बैठाने के लिए पंजाब से आरएस भट्टी लाए हैं। आरएस भट्टी के उस साहस का किस्सा जिसका लालू समेत पूरा बिहार बन गया मुरीद। किस्सा बिहार के उस दौर का जब लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार चलती थी। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी और सरकार पर्दे के पीछे से लालू यादव चलाते थे। कोई दिन नहीं बीतता था जब अपहरण, हत्या, लूट, डकैती या गैंगवॉर जैसी कोई बड़ी वारदात अखबार की सुर्खियां ना बनी हो। आरजेडी के खिलाफ बीजेपी के स्थायी आरोपों से एक शब्द उधार ले लें तो उस जंगल राज में 13 जून 1998 को राजधानी पटना में लालू की पार्टी के नेता और मंत्री रहे डॉन ब्रज बिहारी प्रसाद की कमांडो सुरक्षा घेरे में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या का आरोप जेल से ही विधायक और बाद में सांसद बने लोजपा नेता सूरजभान सिंह और उसके बहुचर्चित शूटर श्री प्रकाश शुक्ला समेत राजन तिवारी और मुन्ना शुक्ला पर लगा। इसमें राजन तिवारी का नाम याद रख लिया जाए तो आगे चलकर बिहार में विधायक भी बने। इस दुस्साहसिक वारदात से पूरा बिहार हिल गया था, लेकिन अभी राजन तिवारी के नाम कुछ और दर्ज होना बाकी था। अगले ही दिन 14 जून 1998 को पटना से 300 किलोमीटर दूर पूर्णिया में सदर सीट से लगातार चौथी बार विधायक बने सीपीएम नेता अजीत सरकार को गोलियों से भून दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला अजीत सरकार को 107 गोलियां मारी गई थी। इस मर्डर में भी राजन तिवारी का नाम आया, उसी राजन तिवारी का नाम जिसका एक दिन पहले पटना में ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या में नाम आया था। राजन तिवारी के नाम के साथ एक और नाम आया, वो नाम था पप्पू यादव का, जो सांसद भी रह चुके हैं और आजकल जाप नाम से अपनी पार्टी चलाते हैं। 14 जून 1998 का दिन पूर्णिया के इतिहास का काला पन्ना है, जो सूबे की तत्कालीन सरकार को भी लाल घेरे में ला दिया था। 14 जून की दोपहर को ही पूर्णिया शहर से गुजरने वाली गंगा दार्जिलिंग पथ पर पूर्णिया सदर के चार बार विधायक रहे अजीत सरकार को गोलियों से भून दिया गया था। उस समय अजीत सरकार की लोकप्रियता चरम पर थी। उनकी हत्या की खबर फैलते ही शहर जलने लगा था, सड़कों पर जन सैलाब उमड़ गया था और पुलिस सुरक्षात्मक मुद्रा में आ गई थी। सड़कों पर टायर दर टायर चल रहे थे। बाजार में पान तक की दुकान नहीं खुल रही थी। ये क्रम अगले दिन भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। पुलिस पूरी तरह असहाय नजर आ रही थी। इस आंदोलन की धमक पटना तक पहुंच चुकी थी और सरकार को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। पूर्णिया में आक्रोशित लोग उनका शव उठाने नहीं दे रहे थे और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। इधर पूर्णिया में लगातार बिगड़ते हालात की सूचना मिलने पर लालू प्रसाद यादव के पूर्णिया आगमन का कार्यक्रम तय हुआ। स्थिति को भांपते हुए लालू प्रसाद यादव खुद अपने हेलीकॉप्टर से ही आईपीएस राजविंदर सिंह भट्टी को लेकर यहां पहुंचे थे। स्वर्गीय अजीत सरकार के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण के बाद खुद लालू ने लोगों से शांति की अपील करते हुए जानकारी भी मंच से दी थी कि अब पूर्णिया के एसपी आरएस भट्टी होंगे और ये ऐसे एसपी होंगे जो बड़े से बड़े अपराधियों का भट्टा बैठा देंगे। ऐसा ही हुआ, लालू की कही बात सच साबित हुई। पूर्णिया की कमान संभालते ही एसपी आरएस भट्टी ने तत्काल अजीत सरकार हत्याकांड की जांच शुरू कर दी। हालांकि उनकी जांच अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सरकार के स्तर से इसकी जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया। उस समय भी ये बात सुर्खियों में रही थी कि आरएस भट्टी ने जिन लोगों को केंद्र में रखकर अपनी जांच को रफ्तार दी थी, बाद में सीबीआई की जांच भी उसी दिशा में बढ़ती गई। इधर भट्टी के आगमन से ही अपराधियों में कोहराम मच गया, अपराधी इलाका छोड़ने लगे थे। जिस समय आरएस भट्टी की पोस्टिंग पूर्णिया में हुई थी, उस दौरान धमदाहा अनुमंडल में अपराधियों की समानांतर सरकार चलती थी। इसमें कुछ गिरोह का सफाया भी हुआ था। हालांकि गैंग वॉर में इन अपराधियों के मारे जाने की बात सामने आई थी, लेकिन चर्चा के केंद्र में भट्टी रहे थे। लोग इन अपराधियों के सफाये को गैंग वॉर का नतीजा मानने को तैयार नहीं थे। आरएस भट्टी ने पूर्णिया में 6 माह का कार्यकाल भी पूरा नहीं किया था कि डगरुआ थाना क्षेत्र के निखरेल में वो विवाद को लेकर एक साथ 7 लोगों की हत्या कर दी गई। ये घटना भी सुर्खियों में रही थी। मारे गए सभी लोग आदिवासी परिवार के थे। इस पर सियासत भी गरमाई। इन तमाम स्थितियों को नजरअंदाज करते हुए आरएस भट्टी पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई पर अड़िग रहे और नरसिंहार की चिंगारी भड़कने से पहले ही शांत हो गई। फिलहाल आरएस भट्टी को बिहार का डीजीपी बनाए जाने से अब एक बार फिर से बिहार के लोगों में एक नई उम्मीद जगी है।